अस्सलाम वालेकुम, डेली लाइफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा शारत और आज हम मौजूद हैं द रॉयल चार्ट फेज 6 के सामने। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज द रॉयल चार्ट के ओनर, आइए जानते हैं इनसे कि इस चार्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो इसे बाकी चार्ट से बिल्कुल मुनफरिद करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अरसलान। अरसलान, तो अरसलान भाई आप यहाँ पे काम करते हैं? जी हाँ, मैं काम करता हूँ। तो जी आज हम मौजूद हैं अरसलान भाई के साथ जो कि यहाँ पे काम करते हैं और हमें ये चार्ट लाइव बना के दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि ये इसमें क्या क्या डलता। तो अरसलान भाई हमें बताएं, ये जो चार्ट है ये अपनी बास्केट की वजह से मशहूर है कि बास्केट चार्ट? जी ये बास्केट की वजह से मशहूर है क्योंकि ये बास्केट जो है ना ये आलू की कटोरी होती है, ये पटाटो से बनती है, इसी वजह से ज़्यादा मशहूर है ये। अच्छा, तो ये बास्केट किस चीज़ से बनती है? मुझे वो काफ़ी लाइट सी नज़र आ रही है, फिर इसके ऊपर लोड भी काफ़ी डलता है चीज़ों का, तो ये किस चीज़ से बनती है? जी सर ये पटाटो की बनती है, ये आलू की बनती है ये बास्केट चार्ट। जी सर आलू की बनती है। तो इस पूरी चार्ट में क्या क्या चीज़ें डलती हैं और ये कहाँ कहाँ से आती हैं आप हमें बताएंगे? जी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, काफ़ी चीज़ें डलती हैं, अब आप देखेंगे कैसे बनती है ये, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये आलू की कटोरी, ठीक हो गया बॉस। ये चने होते हैं स्पेशल चने, इसके ऊपर ही मसाला था, अभी इसके ऊपर और मसाला डालना है हमने, जैसे ये स्पाइसी और नॉर्मल होती है। ये आप देखेंगे साथ में मसाले डाल रहे हैं, ये आपके अपने बनाए हुए मसाले हैं? जी अपने हाथ से बनाए हुए हैं, ये स्पाइसी वाला मसाला होगा। अब ये स्पेशल पापड़ी जो हम घर में बनाते हैं, पापड़ी भी घर की बनी हुई है, ये पापड़ी भी स्पेशल घर की बनी हुई है, ये स्पेशल पापड़ी है। अब ये जो चीज़ है ना ये सबसे ये मीठी है, ठीक है। क्या हुआ जी? आ गई मेन टाइम, ये खट्टी होती है, ये स्पेशल है, ये भी हम घर में बनाते हैं। इसमें भी कोई चीज मिक्स होती है? नहीं ये बस ओरिजिनल दही है, ये स्पेशल दही है। क्रंच डाल रहे हैं, स्पेशल क्रंच, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, ये काफी इसमें चेंज है, ये खाली डाल मसाले और डालेंगे ऊपर से, ये देखें बहुत, अब ये रेडी हो गया आपकी बास्केट चार्ट। पहले दही डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, ऊपर से दोबारा दही डाल दिया, दोबारा दही डाल दिया, डाल रहे हैं, ये स्पेशल अंगूर भी है। अच्छा जी, इसमें फ्रूट भी डालते हैं? क्या बात जी बॉस। फिर भी रॉयल चार्ट बिल्कुल रेडी हो गया खाने के लिए, अब हम इसे खाएंगे और टेस्ट करके आप बताएंगे कि खाने में कैसी है, और क्रंच बहुत ज़्यादा डला हुआ बीच में और ग्रेप्स भी डाले मैंने, और यह वो है जो टूटी फ्रूटी बीच में स्पाइसेस का भी टेस्ट आ रहा है, अंगूर का अलग से टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार। आई विल रेट इट 10 out of 10 बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, आपका नाम? मोहम्मद हसन जी। हसन भाई आप पहली मरतबा यहाँ पे आगे ट्राई कर रहे हैं रॉयल चार्ट या पहले भी आते रहे हैं? नहीं मैं लाख शुक्र है पहले भी 3-4 मरतबा आ चुका हूँ, तो काफी मतलब अच्छी चाट है इनकी, बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब डिफरेंट टाइप का है एक। तो क्या आप उसको टेस्ट के लिहाज से क्या रेट करेंगे अगर आप 10 में से रेट करना पड़े? यार माशाल्लाह अगर आप भाई का काम देखो, भाई की सर्विसेज वगैरह सब कुछ चेक करो तो 10 out of 10 ही है वो, इसलिए क्योंकि काफी डिफरेंट चाट है इनकी, लखनऊ की चाट है भाई ने बताया जा सके, तो इसलिए 10 out of 10 ही है मेरी तरफ से। तो थैंक यू।
तो ले जी नाज़रीन, चाट हमने ट्राई कर ली, बहुत ही मज़े की चाट थी। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो इस लखनऊ से आई हुई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये फेज 6 में PKLI हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट लोकेटेड है। बहुत मज़े की चाट है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हाइजीन भी बहुत अच्छी है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा खाने के लिए। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। अल्लाह हाफिज़।